ऐसा जबरदस्त आपके साथ टैनिंग रिमूविंग मास्क आज आपके साथ मैंने शेयर करना है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपका खर्चा जो होगा ना 10 से 20 रुपए का होगा, और जब आप इसको यूज करने के बाद फेस वॉश करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा, आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी, डेड स्किन आपकी निकल जाएगी। तो इसको बनाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपने बलाई लेनी है आधी चम्मच, उसके बाद थोड़ा सा आपने आलमंड ऑयल डालना है, थोड़ा सा आपने ये रोज पेटल ऑयल है, ये बहुत ही आसानी के साथ आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होता, ये 200-300 रुपए का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर ये वाइटामिन के आप कैप्सूल डाल सकते हैं, या आप ये व्हाइटनिंग कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये दो हमने ऐड कर दिए हैं। मलाई के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देते हैं, आपकी डेड स्किन को निकाल देते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, सबसे पहले आपने अपने फेस को क्लीन करना है। यहाँ पर हमने कच्चे दूध के साथ अपने फेस की क्लेंजिंग की है। जब आप दूध के साथ फेस की क्लेंजिंग करते हैं तो आपका जितना पुराना डर्ट हो, आपकी टैनिंग हो, आपका मेकअप हो, सब कुछ बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने डायरेक्टली ये जो हमने मलाई का पेस्ट बनाया है अपने फेस के ऊपर, तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट इसका मसाज करना है। 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है, अपने आंखों के नीचे इसका मसाज करें, आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन रिमूव होना शुरू हो जाएगी, स्किन आपकी बहुत स्मूथ, बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन में आ जाएगी। बहुत अच्छा मास्क है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा।